ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत। अब हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जो पार्डी की है। पिछले कई दिनों से लापता एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में लाश मिलने से पार्डी परिसर में खलबली मची है। पार्डी पुलिस ने आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आइए डालते हैं एक नजर। पिछले कई दिनों से लापता युवक की गुत्थी छुड़ाने में शहर के पार्डी पुलिस को कामयाबी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय पंकज दिलीप राव गिरमकर शनिवार तारीख 29/12/2019 को सुबह 8:45 से लापता हुआ था, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत उसके घर वालों ने की थी। अजनी रेलवे स्टेशन नागपुर से खुद की दुपहिया बजाज डिस्को वाहन लेकर ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन ना वो ऑफिस गया और ना ही घर पहुंचा। आखिरकार उसकी लाश ही मिली है। मृतक पंकज गिरमकर को बहुत बुरी तरह से मौत देने के लिए आरोपी ने उसे गहरे गड्ढे में डाल दिया। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसकी दुपहिया वाहन के साथ ऊपर से नमक डालकर सुपुर्दे खाक कर दिया। पुलिस के लिए चैलेंज बना यह घटना। आखिरकार आरोपी तक पहुंची गई। पार्डी पुलिस ने आरोपी से कड़ी पूछताछ कर घटना स्थल पर आरोपियों को ले गए, जहां पर मृतक को क्रेन के सहारे निकाला गया। हम आपको क्लियर कट ये विजुअल बता नहीं सकते क्योंकि ये काफी डरावने विजुअल दिखाई दे रहे हैं। लाश की खूब बदबू भी आ रही थी। पार्डी पुलिस और भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आज जो है ये पंकज गिरमरकर मयत जो है इसकी आज पार्डी पुलिस स्टेशन में 302 दाखिल हुई है, जिसकी जो है एक महीने पहले से धंतोली पुलिस स्टेशन में मिसिंग दाखिल थी और जो है इसको वर्धे का रहने वाला था, इसलिए इसको वर्धे की पुलिस और जो है धंतोली पुलिस स्टेशन काफ़ी एक महीने से ढूंढ रही थी, लेकिन क्राइम ब्रांच यूनिट 2 को जो है इसके बारे में पता चला। पिछले 8-10 दिन से वो इस पर काम कर रही थी तो, और उन्होंने जो है इसको डेड बॉडी ढूंढ के निकाली जमीन के अंदर जो है। डेड बॉडी JCB से जो है उसको डेड बॉडी और उसकी गाड़ी वो पूरी गड्ढे में डाल दी गई थी, और बाद में जो पता चला कि इसका खून करने का जो कारण था वो मयत का जो ढाबा मालिक है जोगेंद्र सिंह, उससे और मयत की पत्नी के अवैध संबंध थे। वो उसको कई बार उसने टोका था लेकिन वो मान नहीं रहा था। मयत जो है उसके ढाबे पे गया उस दिन, तो उसने उसके आँख में जो है वो मिर्ची पाउडर डाला और उसका मर्डर किया, और उसका डेड बॉडी जो है वो गड्ढे में उसके गाड़ी के साथ डाल दी। और क्राइम ब्रांच ने जो है ये पूरा, हमने आज डेड बॉडी भी रिंग सरपंचनामा किया निकाली है और उसमें जो है 300 दाखिल किया है। आगे का जो है इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। इसका जो है मोबाइल, डेड बॉडी के साथ जो उसका मोबाइल था वो उन्होंने एक ट्रक में डाल दिया था जो कि राजस्थान चला गया, इस वजह से उसका वो ट्रेस नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मोबाइल फ़ोन की लोकेशन बंद हो गई थी, और जो है उसके अभी मृत्यु के पास से जो है उसका एक आई कार्ड मिला है, तो उसके बेस पे उसकी शिनाख्त की गई, और आगे में जो है उसके DNA और फॉरेंसिक वो सब हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिरे, NBCN न्यूज़ नागपुर।